बस्ती जिले के विकास खंड साहूघाट के प्राथमिक स्कूल की बाउंड्री वाल के स्टीमेट पास करने के नाम पर पंचायत सचिव ने ग्राम प्रधान से रिश्वत लेने का मामला सामने आ रहा है। अभी हाल ही में जिलाधिकारी महोदया ने सख्त रवैया अपनाते हुए बाउंड्री वाल को तैयार करने का निर्देश दिया। तैयार ना होने पर चार्जशीट देने की भी बात कही, लेकिन इसके उपरांत भी अधिकारी व जिम्मेदार इस बात पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब आप समझ सकते हैं कि भौतिक परिदृश्य में क्या चल रहा है। आपको आगे बताते हैं कि प्रधान की लिखित शिकायत पर इस मामले में सोमवार को डीपीआरओ नमिता शरण ने बड़ी कार्रवाई की है। रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद पंचायत सचिव को निलंबित कर दिया है। प्राथमिक विद्यालय के बाउंड्री वाल निर्माण के एस्टीमेट की स्वीकृति के नाम पर 50,000 रुपए रिश्वत लेने का वीडियो वायरल होने के बाद से पूरे विभाग की खूब फजीहत हो रही है। जिले के आला अधिकारियों ने इस मामले को बेहद गंभीरता से लिया है। मामले की जांच एडीओ से कराई जा रही है। साउंघाट विकास खंड में तैनात पंचायत सचिव किशन वर्मा का वीडियो सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। वीडियो में पंचायत सचिव ग्राम प्रधान गंधरिया फैज की ओर से एक व्यक्ति से रिश्वत लेते देखे जा रहे हैं। वीडियो वायरल होने के बाद विभाग में हड़कंप मच गई। मामले में विभागीय अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू कर दी। रिश्वत लेते हुए पंचायत सचिव का किसी ने वीडियो बना लिया था। सोमवार की सुबह वीडियो किसी ने सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। वीडियो वायरल होने के बाद डीपीआरओ ने पंचायत सचिव किशन वर्मा को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया। गंधरिया फैज की ग्राम प्रधान माया देवी ने सेक्रेटरी किशन को 50,000 रिश्वत लेने की लिखित शिकायत डीपीआरओ से की है। इस पर डीपीआरओ का कहना है कि इस मामले में संबंधित पंचायत सचिव के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई करते हुए उसे साउघाट ब्लॉक से अटैच कर मामले की जांच एडीओ पंचायत बनकटी को दे दी है। टी अब देखना यह है कि साउघाट ब्लॉक के एडीओ पंचायत इस परिप्रेक्ष्य में कितनी निष्पक्षता से जांच करके रिपोर्ट लगाते हैं।